नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्वस्थ रहें सुखी रहें में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो भी सारे डिजीज की मैं क्योर करने की मेडिसिन बताता हूँ ये सभी लोगों के पास पहुंच सके और लोग खुद को खुद से ट्रीट कर सकें और लोगों में किसी भी प्रकार की स्कैम से बचें, वो लोग मेडिकली स्कैम से। तो अब इस चैनल को एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे चारों तरफ शेयर करें, सभी लोगों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिंपल्स। जैसे ही लोगों की उम्र में परिवर्तन आता है, बच्चों की उम्र में, जैसे ही बच्चे 14 से एवब उम्र के जाते हैं तो उनके क्या होता है, चेहरे पे धीरे धीरे पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। तो पिंपल आने के बहुत से कारण होते हैं। एक तो कारण होता है अर्ली स्किन, अर्ली स्किन की वजह से भी होता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ वगैरह जम जाते हैं तो भी हो जाता है, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से होते हैं। पेट की गर्मी की वजह से होता है, आप लोग जैसे खाना पीना खा रहे हैं अच्छी तरह से डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ तो क्या होता है, वो पेट में गर्मी करता है जिसकी वजह से वो किसी भी रूप में निकल सकते हैं, पिंपल्स के रूप में भी निकलते हैं। तो क्या होता है, उसमें हल्का फुल्का कील वगैरह जो होती है। दोस्तों, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो चेहरे पर जवानी के दिनों में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, इसमें अक्सर मवाद या कील बन जाते हैं। ये अधिकतर हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होते हैं। ये ही पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं, इसमें ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, बहुत से कई प्रकार के होते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी कॉम्बिनेशन बनाया हूं जो कि कील मुहासों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और दो ही मेडिसिन का मैंने उससे कॉम्बिनेशन बनाया है। आप लोग इसे यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एकदम पिंपल को कचर के रख देगा। आप लोग इसे एक बार यूज करके देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे कम करने की मैं एक उपाय बता देता हूं। क्या कीजिएगा, सुबह में जब आप लोग उठिएगा तो कम से कम 1 लीटर पानी, शौच जाने से पहले 1 लीटर पानी आप लोग अच्छे से घूट घूट करके पीजिएगा। 1 लीटर पानी पर डे शौच जाने से पहले, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे क्या होता है, आपके पेट बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो अच्छे से पानी पीकर 10 मिनट बाद आप शौच के लिए जाइए। और इसके बाद क्या कि जब भी आप खाना खाइएगा, या ब्रेकफास्ट हो या फिर नाइट में आप डिनर लेते हो, तो डिनर करने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, आप कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीजिए और खूब दबा के पीजिए। खाना खाते वक्त पानी अगर गले में फंस रहा हो तो आप 1-2 घूंट पी सकते हैं, नहीं तो आप आधे घंटे बाद पानी पीजिएगा। उससे क्या होगा, भोजन बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो क्या होगा, इससे पेट की सारी गर्मी, मतलब कहीं से किसी गर्मी होने का कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि भोजन आपका अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन आती है कैलेंडुला 30 CH पोटेंसी, इसका पिक्चर मैं लगा दे रहा हूं। सबसे पहली मेडिसिन आती है कैलेंडुला 30, इसको आप ले लीजिएगा। और दूसरी मेडिसिन आती है हिपरसल्फ, इसको भी 30 CH पोटेंसी में आप लोग ले लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, आप एक सीसी लीजिएगा, खाली सीसी साफ जो हो, और उसमें दोनों मेडिसिन को मिक्स कर लीजिएगा, दोनों सेम मात्रा में, इक्वल इक्वल। और उन दोनों को मिक्स करने के बाद अब उसे क्या करना है, टंग पे चुबाना है, और मात्र हफ्ते भर जाते जाते आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और मात्र 1 से 1.5 महीने में जाते जाते पूरे आपको पिंपल को कचर के रख देगा, पूरी तरह से समाप्त कर देगा। हल्के फुल्के दाग धब्बे रहेंगे तो उसकी मेडिसिन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये दवाई काम कैसे करती है, कैलेंडुला और हिपरसल्फ, जो पिंपल जिस प्रकार से रहेगा, जो जिस प्रकार से निकलता रहेगा, उससे उस प्रकार से वो निपटती है। निपटने का मतलब कि मेडिसिन जो है ये, अगर आपको पिंपल्स निकलने लायक है तो उसको निकाल देगा, अगर खत्म होने लायक है वहीं से तो वहीं पे उसको नष्ट कर देगा। ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन और कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगी मेडिसिन, एकदम उसका मतलब तबाह कर देगी पूरे पिंपल्स को। तो दोस्तों, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पिंपल की समस्याएं होती है, खास करके मैच्योर बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, जो इसमें अभी मैच्योरिटी आ रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सबको आप लोग देखिएगा, और ये क्लासेस चलते रहेंगे। और दूसरी बात की मैं बता दूं
कि मैं हमेशा क्लासेस देता रहूंगा और हर तरह का वीडियो का नॉलेज मैं दूंगा। और आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि किस किस डिजीज का मतलब मेडिसिन की जरूरत है, तो मैं उस हिसाब से मेडिसिन बताता रहूंगा। और जल्द ही कुछ ही दिनों बाद मैं लाइव क्लिनिक भी स्टार्ट करूंगा। जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए तो मैं लाइव क्लिनिक स्टार्ट करवाऊंगा बहुत जल्दी लाइव क्लिनिक। और जिन जिन लोगों को जिस जिस प्रकार की समस्या रहेगी मैं लाइव बताऊंगा। और तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ जाएं हमसे तो हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते रहें। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।